हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28 अक्टूबर 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो। एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ जोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ जोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ जोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ जोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है जोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ जोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ जोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ जोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है जोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ जोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ जोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कर्स, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कर्स, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंडराज, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंडराज एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन डॉलर की काफी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। 65 मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 142.4 मिलियन
$1 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ जोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल, फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो, फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्वेली, फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स, फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बैंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सोवेल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स, फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश, एंड $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बैंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन, एंड रूफस सोवेल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा सकते, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की शानदार मूवी का नाम है द लीजेंड ऑफ ज़ोरो। फ्रेंड्स, यह एक वेस्टर्न स्वैशबकलर फिल्म रही
रही है। यह 2005 में अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो को। फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैम्बेल। फिल्म के स्क्रीन पर दिया रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन। फिल्म की स्टोरी लिखी है रॉबर्ट ऑर्की, एलेक्स कर्ट्समैन, टेड एलॉयड, टेरी रोजियो। फिल्म बेस्ड है ज़ोरो बाय जॉनसन मैकक्विली। फिल्म को प्रोड्यूस किया है वॉल्टर एफ पार्कस, लॉरी मैकडोनल्ड, लेलॉर्ड फिलिप्स। फिल्म के स्टार्स रहे हैं एंटोनियो बेंड्रास, कैथरीन जेटा जोन्स, रूफस सेवल, निक चिनलेन। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है फिल मेहोक्स। फिल्म को एडिट किया है स्टुअर्ट बेयर्ड। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स हॉर्नर। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलियन एंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 28th of October 2005। फिल्म का रनिंग टाइम 130 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज में जिसको रिलीज किया गया इंग्लिश एंड स्पेनिश। $65 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड $142.4 मिलियन की काफ़ी अच्छी अर्निंग इस मूवी की रही है। अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यह मूवी सिक्वल रही है 1998 में आई फिल्म द मास्क ऑफ ज़ोरो, एंटोनियो बेंड्रास एंड द कैथरीन जेटा जोन्स रिप्राइज देयर रोल एज द टाइटलर हीरो एंड हिज स्पाउस एलन एंड रूफस सेवल स्टार्स एज द विलन काउंट एनमार्ट।